अरे वाह, थैंक यू अभय जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बोलते हैं कि बिना सीखे आप जीत नहीं सीखते, यदि आपको जीत चाहिए तो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की आपको सीखना पड़ेगा। और दोस्तों सीखने के इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। आप लोग को मालूम है कि हमारे बास्केट में टोटल 6 प्रोडक्ट की प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं। तो 6 प्रोडक्ट क्या है, क्या उनके फीचर है, क्या उनकी खासियत है, क्यों किसी भी पर्सन को उन 6 प्रोडक्ट के ऑर्डर लगाने चाहिए और क्या वैल्यू एडिशन आपके लाइफ में करेगा, आपके टीम के लाइफ में करेगा, ये सारी डिसीजन आज हम करने वाले हैं हमारे डायरेक्टर साथ में R&D है डॉक्टर विक्रांत नरवाल के साथ में। तो अगले स्लाइड में विक्रांत सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा विक्रांत सर एक बार आप स्क्रीन पे आके आगे स्टार्ट कर दें और कुछ देर में मैं आपका PPT शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जितने भी पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में सुन पा रहे हैं, जो ज्वाइंट लोग हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है। और देखिए, मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा। आपका कमिटमेंट और आपके डेडिकेशन ही आपको आगे लेके जाते हैं। हम दिन रात काम कर रहे हैं और डे बाय डे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोगों को साथ लेके। गाड़ी मैंने साइड में लगाई है कि मेरा कमिटमेंट है कि भाई, हम जो हमने कमिटमेंट मार्केट में किया उसको चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो, जरूर पूरा करेंगे। मैं ट्रेवल में था और आप लोगों के साथ एक PPT के साथ ही मैं रूबरू होऊंगा, क्योंकि मेरा मानना मेरी शक्ल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी अकल जो है, यानी कि हमारी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो जाए। हम एक PPT के माध्यम से आप लोगों के साथ रूबरू होंगे, आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे जो 6 प्रोडक्टों का जो हमने प्री ऑर्डर बुकिंग में लिए हुए हैं। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा इस मीटिंग से स्टार्टिंग से पहले कि देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने क्या डिसीजन लिया है। हमने डिसीजन लिया आगे बढ़ने का, हमने डिसीजन लिया है प्रोफेशनली चीजों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। तो इस नए डिसीजन में आप सब लोगों का मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूं और आभारी भी रहूंगा कि आप लोगों ने ट्रस्ट किया। पहले भी आप लोग ट्रस्ट करते आए और यहाँ पे भी आप ट्रस्ट अपना फुली तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है और हम सभी की जिम्मेवारी बनती है, हमारे टॉप मैनेजमेंट से लेकर लीडरशिप जो टॉप है, उन सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम आप लोगों के लिए इस सिस्टम को बेस्ट सिस्टम बनाएंगे। इंडिया का ही नहीं, अपने पर्सनल का ही नहीं, लोकल का ही नहीं, ग्लोबली। मेरा अंदर से फीलिंग आती है ग्लोबली हम इस सिस्टम को बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, पर इसमें आपका प्यार, सहयोग और आशीर्वाद सभी चीजें मैं डे फर्स्ट से इसलिए मांग रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो उन सबको मैं ये बोलता हूँ कि आशीर्वाद बनाए रखें। जरूर ये यंग जनरेशन आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगी और आगे लेके जाएगी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। तो इन्हीं बातों के साथ फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, टीम के साथ, एक्साइटमेंट के साथ और 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ जो डायरेक्ट सेलिंग में आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है और मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो अखिलेश जी, मैं चाहूंगा एक PPT के थ्रू हम सब लोगों के साथ रूबरू हों और इस मीटिंग के एजेंडे को डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच अखिलेश जी, आप एक बार जरूर शेयर करें PPT। जी सर, जी सर, बस एक मिनट। यस सर, चालू। जी, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, एस्टोनिया वन इंस्पायरिंग फ्यूचर। देखिए, मैं पहले से भी इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड का मतलब, देखिए, साइंस सीखने से लेके सलीका सीखने तक का ये इंडस्ट्री का एक सफर रहा है मेरा। साइंस से लेके सलीके की बात करें, और मैंने ना अपने जीवन में ये देखा है कि सलीका इम्पोर्टेंट है। साइंस तो आप हायर भी कर सकते हैं, सलीका इम्पोर्टेंट है। सलीके को बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। तो इस इंडस्ट्री ने सलीका सिखाया और उसी को, सीखे सिखाए चीजों को आगे, और इसी उम्मीद के साथ डिलीवर कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी इस जीवन में। और आप लोग जो भी इनपुट देंगे
उन पे जरूर काम करके इस इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम आप सब लोगों के सहयोग से हम एस्टोनिया वन का बना पाएंगे। तो इंस्पायरिंग फ्यूचर, देखिए दो तरीके के लोग होते हैं हमारी जिंदगी में, एक एक्सपायर करने वाले, एक इंस्पायर करने वाले। मैं पहले भी बोलता था, इंस्पायर का मतलब है कि वो कोई भी आप कुछ भी काम करते हो, कुछ लोग आपको बोलेंगे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बट Recording in progress. कुछ लोग आपको बोलेंगे कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप कुछ लोग बोलेंगे यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। तो दो तरीके की पर्सनालिटी मेरे अनुभव में, हो सकता है आपका अनुभव मेरे से अच्छा भी रहा हो, पर मेरे अनुभव में दो तरीके के लोग मुझे मिले, एक इंस्पायर करने वाले, एक एक्सपायर करने वाले। मैं उन लोगों का हिस्सा बनना चाहता हूँ जो इंस्पायर करते हैं, जो एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहते हैं, जो लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इस इंस्पायरिंग वर्ल्ड में मैं डॉक्टर विक्रांत और पूरी मैनेजमेंट के साथ और पूरी उप हमारी जो लीडरशिप और सबके साथ आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ। लेट्स बिल्ड ए बेटर फ्यूचर टुगेदर, आइए साथ मिलके एक अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं जरूर आप लोगों के साथ वो सारी चीजें शेयर करूंगा जो आप लोगों के कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक नॉलेज में बिल्डअप करने का काम करेंगे, और कुछ ऐसी चीजें वैल्यू एडिशन में आएंगी जो अभी तक आप पहली बार सुन रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी चीजें काम आने वाली हैं आज के इस डिस्कशन में। तो अखिलेश जी प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। हु वी आर, कौन है हम? हम एक फैमिली हैं, जितने भी मेंबर हमारे साथ आज जुड़े हैं या आने वाले टाइम में जुड़ने वाले हैं, जो हमारे साथ पहले से हैं, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी ये एस्टोनिया वन फैमिली लेके आई है। तो इस एस्टोनिया वन फैमिली का पार्ट बनने के लिए दिल से शुक्रिया अदा है आप लोगों का, और इस फैमिली को और बड़ा करेंगे आने वाले टाइम में। इसमें एक हेल्थ की हम एक सीरीज लेके आए, सीरीज बोल सकते हैं इसको आप, एक उसके पूरी बास्केट बोल सकते हैं, जिसका नाम है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। माय डियर फ्रेंड, आपको मैं अशोर करना चाहता हूँ, चाहे आपने कभी भी साइंस ना पढ़ी हो, यदि आपने कुछ टाइम के लिए अच्छे से डेडिकेशन के साथ इस प्लेटफॉर्म को में सीखने का जज्बा रखा है, तो आपकी नॉलेज जो है हेल्थ के बारे में इतनी ग्रो करने वाली है आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। पहले हमने हर्बो फूडसूटिकल लेके मार्केट में आए, आज हम उसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च कर रहे हैं, वो है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। मेरा मानना है कि दुनिया का एक ही नियम है आगे बढ़ने का, हम आगे बढ़े हैं हर्बो फूडसूटिकल से हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स तक आए हैं। तो जीन टू जीनियस, इस कॉन्सेप्ट का मतलब, जीन टू जीनियस का मतलब एक ही है कि भैया यदि आपके जीन स्ट्रोंग हैं तो आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पिए, तो आप बहुत स्ट्रोंग हो सकते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा बिल्कुल अनहेल्दी जीवन जीते हैं, फिर भी बहुत लंबा स्पैन जी पाते हैं, बहुत लंबी आयु उनकी होती है। और कुछ लोग आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी हैबिट रखते हैं, हेल्दी रहते हैं, फिर भी मतलब एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी उनका लाइफ स्पैन या आप देखेंगे इतना अच्छा नहीं रह पाता। तो इसमें इसको बोलते हैं जेनेटिक लॉटरी। जेनेटिक लॉटरी का मैं मतलब यहाँ पे आपको डिफाइन करने वाला, जेनेटिक लॉटरी का मतलब होता है कि हमारे मदर फादर से है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें या रियल अभी पेरेंट्स की बात करें प्रेजेंट में, तो उनसे जो अनुवांशिक हेरिडिटरी जो हमारे अंदर ट्रेड्स आते हैं, हमारे अंदर जो चीजें आती हैं, वो कई बार क्या होती है, कुछ आपने डॉक्टर को एक बात भी सुनी होगी, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी डायबिटीज वाले को, हार्ट अटैक वाले को, या कुछ ऐसी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डॉक्टर एक बार जरूर पूछता है उन लोगों से कि आपके घर में तो किसी को डायबिटीज नहीं है, आपके घर में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। इट मीन्स वो कनेक्ट कर रहा है आपकी जीनोलॉजी को, जो आपकी जेनेटिकली कनेक्टेड है, तो वो हिस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहा है। और इससे पता लगाया गया है साइंस के द्वारा कि जिसको पहले उसके पेरेंट्स में जिसके हार्ट अटैक आया है, डायबिटीज है, कैंसर है, हो सकता है वैसा ही जीन उसके यहाँ पे भी अगली जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है, तो वो उस चीज को एक तरीके से एक डायग्नोस करता है। तो यहाँ पे मैं इतना ही कंक्लूड करना चाहूंगा, हमारे जो जीन है वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और जीन पे ही कोड लिखा होता है कि
कि आपकी हाइट कितनी होगी, आपका स्किन कलर कितना होगा, और आप कितने बड़े, आप कितनी हाइट मतलब, और आपकी एज, इवन एज तक वहां डिफाइन होती है। तो स्किन का कलर, हाइट, आपके स्केल्टन का ब्रॉडनेस, कैसे आप दिखेंगे, ये सारी की सारी चीज तय होती है हमारे जीन के थ्रू। तो जीन ही ये माने पार्लियामेंट है जो सारी बॉडी के रूल बनाता है। तो जीन की हेल्थ अच्छी होगी तो यही ऑब्वियस ही बात है कि हम अच्छे से अपना लाइफ स्पेन ले पाएंगे, अच्छे से जी पाएंगे, और स्ट्रोंग तरीके से हमारे जो चैलेंजेस हैं आज के टाइम पे उनको हम फेस कर पाएंगे। तो हमने भी यही सोचा है कि यदि जीन स्ट्रोंग है तो अगली जनरेशन स्ट्रोंग है, और हम नेक्स्ट जनरेशन के बिजनेस में हैं। आप जानते हैं नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग, कि हम ये बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी आने वाले कल को, पैसिव इनकम, लेवरेज इनकम की बात करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे एज ए साइंटिफिक बैकग्राउंड होने के नाते यही बताना चाहता हूँ, और ये जिम्मेवारी भी लेना चाहता हूँ कि आपके जीन जो हैं वो स्ट्रोंग रहेंगे इस पूरी सीरीज से, और जीन स्ट्रोंग है तो जनरेशन स्ट्रोंग है। सो जीन से जीनियस तक का सफर ये हर्बो न्यूट्रोजेनिक्स आपको सर्व करने आई है, और आपके इनपुट, मैं हमेशा बोलता हूँ नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, और कोई भी जूते पहन के पैदा नहीं हुआ है। आपके इनपुट मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके इनपुट से ही हम नेक्स्ट कुछ नई सीरीज डेवलप कर पाते हैं। तो जरूर इसके बारे में भी आप जब यूज करें तो हमें सजेस्ट करें कि इसमें ये अच्छा लगा, इसमें ये हो सकता है इंप्रूवमेंट। जरूर जो आपके वैलिड इनपुट होंगे तो हम अपने इसमें वैल्यू एडिशन में लेके आएंगे। सो हर्बो न्यूट्रोजेनिक्स में आपका स्वागत है। इसका एक ही मिशन है, जीन स्ट्रोंग है तो जनरेशन स्ट्रोंग है। तो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चले अखिलेश जी। और डिसर कर दिया है। हाँ उस और नेक्स्ट नेक्स्ट ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा यहाँ मैं कर दूँ सभी को कि अपने मोबाइल तो आप लोग वर्टिकल में कर दिए, लेफ्ट टू राइट, बेड़े बेड़े जिसको बोलते हैं, आपको फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन चलेगा। आप लंबे लंबे नहीं, बेड़े बेड़े कर लीजिए। देखिए अखिलेश जी सॉफ्टवेयर के जीन जीन के एक्सपर्ट हैं, तो हमें इनके भी सेवाएं मिलती रहती हैं, तो आप जरूर फॉलो करें जो अखिलेश जी बता रहे हैं। जैसे जी कमल अखिलेश जी नितिन हो गए, बहुत लोग ऐसे हैं नाजिर जी जो लंबे लंबे मोबाइल को यूज कर रहे हैं। आप मोबाइल को घुमा लीजिए, वर्टिकल कर लीजिए, लेफ्ट टू राइट, पूरी फुल स्क्रीन आएगी, मोबाइल में प्रेजेंटेशन अच्छे दिखाई देगा। मैं भी कर यस सकता हूँ अखिलेश जी। आप कर सकते हैं, लेकिन सर आपका प्रेजेंटेशन कोई दिक्कत नहीं, आप चलेगा, क्योंकि आप तो अपने को दिखा रहे हैं बस चेहरे से। राइट प्रेजेंटेशन राइट, हो थैंक यू तो हाँ थैंक यू थैंक यू। मोबाइल से हाँ तो आप मुझे दिख कोई रहा है मुझे। जी। देखिए नेचर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं इस दुनिया में। मैं बोलता हूँ जो नेचर ने हमें दिया वो परफेक्ट दिया है। यदि परफेक्ट की डेफिनेशन है तो वो नेचर है, और नेचर ने हमें दिया है एक अच्छा खजाना, प्लांट, हर्ब्स, फूड, ये इससे अच्छा खजाने नहीं हो सकता। पर यहाँ पे आज के टाइम पे हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड छिड़क के। पेस्टिसाइड के बाद हमारी एयर में पोल्यूशन है, और जब हम खा रहे हैं, जो पका रहे हैं, पकाने की जो प्रक्रिया है, जो टेक्निक है, फ्राइंग टेक्नोलॉजी या हाई हीट टेक्नोलॉजी, वो कहीं ना कहीं हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को, हमारी डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स को, फूड को, या उसकी जो फंक्शनलिटी है उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम करती है। तो इसमें मैं यही वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा कि आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं, हमारे डायरेक्ट जीवन में फूड सप्लीमेंट का, डाइटरी सप्लीमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है हमारी हेल्थ में। सो डाइट के बाद यदि हम बात करें डाइट पूरक, डाइटरी सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं, डाइट पूरक, पूरक का मतलब है उसको पूरा करने वाला। अब डायरेक्ट डाइट जो पूरक है वो बहुत एडवांस चला गया है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब आपने नया नया मोबाइल यूज करना स्टार्ट किया होगा, हमारी जनरेशन की बात कर रहा हूं, तो उसमें ओनली आप स्नेक वाला गेम देख पाते थे, ओनली टोर्स देख पाते थे, आज बहुत सारे फीचर्स आप देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे डाइटरी सप्लीमेंट में बहुत सारे फीचर्स एड हो गए हैं, जो डे बाय डे रिसर्च हो रही है, जो डे बाय डे साइंस डेवलप हो रही है, जो चीजों को आगे लेके जा रही है। तो हमने भी साथ में ये वैल्यू एडिशन में ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट में बहुत सारी चीज ऐड करी है जो आपके डाइट के पूरक के साथ साथ आपकी किसी फंक्शनलिटी को इनहांस कर सकते हैं, जिसको हम हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के थ्रू आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड।
इसके पांच कोर हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, पांच कोर्स में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले खिलाने से पहले ये सिक्योर करें कि वो डाइजेस्ट होगा नहीं, और डाइजेस्टिबिलिटी के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा एक ही हथियार है, वो हथियार है आपका, आपके मन में आ गया है मैं जो बोल रहा हूँ, प्रोबायोटिक, जो पहले भी सर्व कर चुका है। और ये दुनिया में, मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीजें, प्रोबायोटिक इंसानों के लिए, इवन एनिमल के लिए भी, एनिमल के पेट में भी प्रोबायोटिक होते हैं, और धरती के लिए फंजाई, फंगस जिसको बोलते हैं, जितनी भी आप चाहे आपने डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट यूज किए हैं लाइक गैनोडर्मा, वो भी एक फंगस है। आप यूज कर रहे हैं कॉर्डिसेप्स एस्टोनिया वन में यूज करेंगे, वो भी एक फंगस है। बहुत सारी फंगस, जिसको आप मशरूम बोल रहे हैं वो फंगस का पार्ट है। तो माइसीलिया एक फंगस होता है, उसके बिना संसार में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, वही सारी चीजों को डिकम्पोज करती है। तो जो चीजें ऐसी है जो हमें दिखती नहीं है, समटाइम वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम 4P की बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ चीजें दिखती नहीं है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ही प्रोबायोटिक आपको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिख सकता, पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पर्सनल हेल्थ में। जैसे दूध से दही जो बनती है वो प्रोबायोटिक्स के कारण बनती है। आपको दिमाग में आ रहा होगा, दही को पचाना, छाछ को पचाना इजी है या दूध को पचाना इजी है? दिमाग में आ गया होगा कि दही और छाछ जल्दी पच जाते हैं। क्यों? दूध दूध से ही बने हैं वो, उसमें ऐसा क्या डिफरेंस आ गया? उसमें डिफरेंस आया फर्मेंटेशन से, और फर्मेंटेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स से इजी चीजें बनाना, और वो किसकी हेल्प से? प्रोबायोटिक की हेल्प से। तो हर सीरीज में मैक्सिमम कोशिश की गई है, इवन जो आप टूथपेस्ट करते हैं वहां तक इंडिया की पहली टूथपेस्ट डेवलप भी आपकी आइडियोलॉजी ने की है, आप सब लोगों ने की है। पेस्ट तक हमने प्रोबायोटिक लाने की कोशिश की, यानी कि नेचर को दोबारा से आपके साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे भी उसकी सेवाएं जारी है। प्रोबायोटिक्स जो आपको डाइजेशन से लेकर डिटॉक्स तक का काम कर रही है। उसके बाद आता है डाइजेशन के बाद, वो कहाँ जाता है? वो जाता है ब्लड में, एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब किसी के अगेंस्ट है, ऑक्सीडेशन का मतलब है, या एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट के अगेंस्ट है। जो आप सांसें लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, और जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज का बदलाव आ रहा है, ले कुछ रहे हैं और निकाल कुछ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अंदर जो रिएक्शन हुआ है उसके कारण वो बाई प्रोडक्ट बना है, और वो जो हमारे यूज का नहीं था वो बाहर निकाल दिया बॉडी ने। पर ऐसी कुछ चीजें हैं जो बॉडी अपने आप बाहर नहीं निकाल सकती, उसको हम फूड से, हमारी डेली हैबिट से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अंदर जो फ्री रेडिकल बन रहा है, और आज स्ट्रेस के कारण बहुत बड़ा बन रहा है, आज पेस्टिसाइड्स के कारण, आज पोल्यूशन के कारण, आज जो मिलावट हमारे फूड में आ गई है उसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारा लोड पड़ा हुआ है फ्री रेडिकल्स का, जो कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर का कारण बनती जा रही है। वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ब्लड से लेके सेल तक आपको डिटॉक्सिफाई कर पाए, वो डाला है एंटीऑक्सीडेंट। विस्तार से हम फिर से बात कर लेंगे, पर ये आपके ब्लड से लेके सेल तक डिटॉक्सिफाई कर रहा है बॉडी को। पेट को डिटॉक्सिफाई कर रहा था प्रोबायोटिक, पेट के बाद ब्लड में वो जा रहा है, ब्लड से लेके सेल तक का रास्ता साफ सुथरा कर रहा है एंटीऑक्सीडेंट। थर्ड पिलर हमने डाला है। अब आता है मरम्मत का काम, क्योंकि आप मंजिल तक पहुंच गए हैं तो आप मरम्मत करने का काम करते हैं। मरम्मत का मतलब है यहाँ पे हीलिंग। थर्ड जो पिलर है हमारा एंटीऑक्सीडेंट के बाद, वो है हीलिंग। और वर्षों से, लगभग 5,000 से, यदि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की बात करें, लगभग 5,000 सालों से पूरे वर्ल्ड को एक, मैं ये कहता हूं, एक वरदान दिया है इंडिया की धरती ने, इस भारत की धरती ने, आयुर्वेदा को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम। चाहे इसको आप फादर ऑफ आयुर्वेदा बोले, जो इंडियन है, तो हम इंडियंस ने बिलीफ के साथ, सेफ्टी के साथ, 5,000 सालों की पद्धति को ही अपना आइडियल माना। आयुर्वेदा को हमने यहाँ रखा हीलिंग के लिए। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हमने लिया। तो तीसरा पिलर आयुर्वेदिक हर्ब्स को लिया, जो हील कर रहे हैं आपको, नेचुरल हीलिंग बिना साइड इफेक्ट के। देखिए, आपके सिम्टम्स को ना
एलोपैथी भी कंट्रोल कर सकती हैं। आप जो मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले रहे हैं, डॉक्टर से दवाइयां ले रहे हैं, वो भी सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं और किसी चीज में आपको रिलीफ भी देती है, पर कोई ना कोई डैमेज डालती है, साइड इफेक्ट करती हैं। पर आयुर्वेद आपको नेचुरली हील करता है, कोई साइड इफेक्ट उसका होता नहीं है। तो आयुर्वेदा को इसमें यूज किया है। चौथे नंबर पे यदि कोई कमी पेशी रह जाए, यानी कि आप जो डाइट ले रहे हैं, आज जो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे, उसके गैप को फिल करने के लिए जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए, देखिए मैं आपको बोलता हूँ, चार ही ब्लड ग्रुप हैं इस दुनिया के, ना वो मजहब से बने हैं, ना वो जाति पाति से बने हैं, ना वो गोरे काले से बने हैं, ना वो लंबे और छोटे से बने हैं, वो चार ही ब्लड ग्रुप हैं, उसके ही सब ब्लड ग्रुप आप जो बोलते हैं, तो चार वो, उसके लिए एक न्यूट्रिशन चाहिए। बॉडी जो है वो पंच तत्वों से बनी है, तो उस पंच तत्व कोई भी मजहब हो क्यों ना, हर किसी के लिए आरडीए वैल्यू सेम होती है, मजहब कुछ भी हो। मैं आपको यहाँ एक फिर से एक समानता के अधिकार की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि न्यूट्रिशन जो साइंस है वो हमेशा समानता के अधिकार से ही बनी है। आरडीए वैल्यू कभी भी मजहब को देख के, आपकी आदतों के देख के नहीं बनी है, वो इंसान की रिक्वायरमेंट, बॉडी की सेल्स को देख के बनी हुई है। साइंस और रिसर्च के बाद वो तय की गई कि एक आदमी को दिन में इतना प्रोटीन खाना है, इतनी कैलोरी चाहिए, इतना कैल्शियम चाहिए, इतना आयरन चाहिए, इतना फोलिक एसिड चाहिए, इतना बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, इतना ओमेगा चाहिए। तो आज जो हम अपनी डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो उसके गैप को फिल करने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल ऐड किया गया है इसमें। तो चार पिलर हम पहले भी सर्व करते आए हैं, और जहां पे चारों पिलर में भी कुछ भी हमारी पहले कोई ड्रॉबैक कमजोरी रही हो, यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रोंग किए हैं चार पिलर, यानी कि सीमेंट और ज्यादा, और सीमेंट और लोहा और ज्यादा हमने एड ऑन किया। ये मैं एग्जांपल इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप एक पिक्चर अपने दिमाग में बना पाए कि एक लेमेन आदमी भी समझ पाए और इसको आगे प्रमोट कर पाए। ये चारों पिलर के बाद एक पांचवा पिलर, इसको मैं धर्म का पिलर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि समटाइम आप इमोशनली होते हो और आप पहले सिस्टम को भी बहुत शिद्दत के साथ प्रमोट करके आए होते हो, पर हमेशा मैं बिलीव करता हूँ सच्चाई और धर्म के साथ आगे जो बढ़ता है भगवान उसी का साथ देता है, टीम उसी का साथ देती है। तो पांचवा पिलर भी जो मेरी नजरों में और पूरी टीम की नजरों में और साइंस की नजरों में प्रूवन है, जीनोमिक्स न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड आने वाले टाइम में इसको बहुत सलीके से यूज करेगा, प्रोफेशनल तरीके से यूज करेगा, जीनोम हीलिंग। जीनोम का मतलब है हमारी पार्लियामेंट, वो कहाँ पे है, हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस और उसके अंदर जीन है और जीन के अंदर डीएनए है। डीएनए के हेल्थ को यदि आपने मेंटेन रख लिया तो आपका जो एजिंग है वो स्लो हो सकती है, आपका बुढ़ापा खुशियों के साथ, क्योंकि बूढ़ा तो सभी को होना है, हमारे से पहले वाली जनरेशन जा चुकी होगी, हमारा भी नंबर कभी आना है, पर खुशियों के साथ आए या बीमारियों के साथ आए, ये कौन तय करेगा, हमारा डीएनए। डीएनए की हेल्थ कौन तय करता है, हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है न्यूट्रीजिनोमिक्स का एक पार्ट ऐड करके कि डीएनए की हेल्थ को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे हम मजबूती से अपनी पूरी बॉडी की हीलिंग को, प्रोसेस को, और एजिंग जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि बूढ़े तो होंगे पर स्लो होंगे, बूढ़े तो होंगे पर बीमारियों के साथ नहीं, बीमारी से बच के खुशियों के साथ होंगे, तो उस चीज की हमने यहाँ पे एक तरीके से कोशिश की है। और इस कोशिश में सबसे बड़ा योगदान मैं कहता हूँ सारी टीमों का रहा है, सभी टीमों का रहा है अभी तक 7 साल में। तो ये कोशिश की गई है और ये भी आपको जरूर पसंद आएगा जब आप यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को इसका रिजल्ट पहले से भी ज्यादा मिलने वाला है। न्यूट्रीजिनोमिक्स, जीन टू जीनियस बनने की हम बात कर रहे हैं, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, ये पांच पिलर आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड। ये बोला जाता है जहां पांच है वहां परमेश्वर माना जाता है, तो पांच पिलर हैं। और नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसी को समझ पाते हैं। सो साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ, फाइव हीलर इसमें डाले गए हैं, डाइजेशन से लेके जीन तक की हमने बात की है। तो ये मैंने प्रिंसिपल भी आपके साथ शेयर किया है कि हर्बो न्यूट्रिजेनिक्स कैसे आने वाले टाइम में सर्व करने वाला है। अखिलेश जी नेक्स्ट। हाँ, तो यूएसपी की भी बात करें तो होलिस्टिक नरिशमेंट फ्रॉम सेल टू जीनोम,
भाई सेल से लेके जीनोम तक तक की हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन में, नॉन जीएमओ प्रोडक्ट की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, क्योंकि जो जिनका जेनेटिक मॉडिफाई नहीं किया गया वही हमारे जीन को अच्छा कर सकते हैं, तो नॉन जीएमओ प्रोडक्ट्स की हमने यहाँ पे बात की है। जो सेफेस्ट फॉर्म हो सकती है जिसका सर्टिफिकेशन कहलाता है ग्रास सर्टिफिकेशन, वो यूज किया गया है। इनोवेशन और रिसर्च बेस्ड है, कस्टमाइज है, टेलर फिट है, जैसे आपकी बॉडी वैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे इसको एक तरीके से कस्टमाइज किया गया है। तो स्पेशलाइजेशन फॉर्मुलेशन है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आराम से समझा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, कॉमन से लेके स्पेशलाइजेशन यूज तक हमने इसको डेवलप किया है। और बैंड्स बस्टांसिस जो आज आप देख रहे हैं, साइंस दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है, बहुत सारी ऐसी चीजों को खोज करती जा रही है कि कुछ प्रोडक्ट पहले बहुत लोगों ने प्रमोट किए पर आज के टाइम पे वो बैंड हो गए हैं, या ऐसी चीजें जो पहले दिन से ही बैंड थी उनका विशेष तौर पे हमने ध्यान रखा है कि यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है। सो फ्री फ्रॉम द बैंड सबस्टांसेस, सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी, सेफ्टी आएगी साइंस से, सेफ्टी आएगी आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से, सेफ्टी आएगी आपके माइंडसेट से। तो यहाँ पे हर चीज को हमने यूटिलाइज किया, साइंस हो या हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो या माइंडसेट हो, हमेशा ये रहा है कि क्लीन लेबल टेक्नोलॉजी, जो लिखा है वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको काउंटरफिटिंग के प्रोडक्ट मिलेंगे, लिखा है वो तो होता नहीं है, पर बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो बिना लिखे उसमें होती है। तो वॉलेंट्री कुछ तो लोग अपने जानबूझ के ऐड करते हैं, कुछ लोगों के पास टेस्टिंग की फैसिलिटी ही नहीं होती, जो उनका रॉ मेटेरियल आ रहा है उसी में वो चीज आ रही है, तो यहाँ पे टेस्टिंग को भी जो रॉ मेटेरियल है उसको भी स्क्रीन किया जाता है, स्क्रीन आउट करके उसको भी एनालिसिस करके उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसकी सीओए रिपोर्ट ली जाती है। तो सेफ्टी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपका यहाँ प्रोडक्ट सिक्योर है, कि आपको मिनिमम मैं आपको बोल सकता हूँ और डैमेज फ्री, यानी कि आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को दूध से भी हो सकते हैं, प्योर दूध से, वहां की मैं बात नहीं कर रहा स्पेशल केस, पर जो लॉ ऑफ एवरेज की बात करेंगे मैक्सिमम लास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि हमारी सेफ्टी प्रायोरिटी रही है। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जैसे एवरीडे वन लेके आया, एवरीडे वन का मतलब है डेली एक से ही आपका न्यूट्रिशनल का गैप भर सकता है, जीनोम की डीएनए की हेल्थ आप बेसिकली इससे मेंटेन कर सकते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट इसमें पावरफुल डाले गए हैं, और आपके न्यूट्रिशनल के गैप को भरने वाला एक डेली मल्टीविटामिन के रूप में एवरीडे वन। लास्ट टाइम पे हमने 90 नाम के साथ साथ इसको एसोसिएट किया था, अभी इसको आगे बढ़ाते हुए हमने इसका प्राइस भी पहले से 20 से 25% कम किया है, और इसको और अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ फॉर्मुलेट किया है। यदि हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो आप देख पाएंगे कि बहुत सारी चीजें इसमें वैलिडेशन में, जैसे बायोटीन हमने इसमें ऐड किया है, फोलिक एसिड को बढ़ाया है, विटामिन B2 को बढ़ाया है, और आप विटामिन डी को बढ़ाया है और विटामिन ए को बढ़ाया है, तो और ज्यादा वैल्यू एडिशन हमने इसमें की है, जो आप आज हमारी नई आईसीएमआर की गाइडलाइंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्मुलेट किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो आपका पहले कैल्शियम आता था, तो हमने इसमें आज के जनरेशन की हम बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी और बोन मिनरल्स डेंसिटी या ऑस्टियोपोरोसिस या एक एज के अकॉर्डिंग उसमें जो चेंजेस आते हैं उसकी खड़िया कमजोर होती हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए इसको हम लेके आए हैं कैल मैग डी, कैल्शियम मैग्नीशियम डी, और अकेला कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है, इसमें जिंक भी है और मैग्नीज भी है, यानी कि वो पूरा फॉर्मूला जो आपकी बोन को और आपकी टीथ को और आपकी इम्यूनिटी को बेस्ट कर सकता है, तो इसके साथ हम आए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नीशियम भी ग्लाइसिनेट फॉर्म में है, आप देखेंगे मैग्नीशियम की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है ग्लाइसिनेट, जो सबसे हाई बायोलॉजिकल अवेलेबल होता है, एब्जोरेबल होता है, वो इसमें डाला गया है। जिंक भी डाला गया है जो आपकी मसल को रिलैक्स करता है और आपकी बोन्स को और ज्यादा हेल्दी करता है। सो इम्यूनिटी एनर्जी, हेल्दी टीथ, हेल्दी बोन्स, और मैं कहता हूँ ओवरऑल मसल स्ट्रेंथ से लेके आपके स्टेमिना तक बेस्ट करने का काम कैलमैगडी करने वाला है। नेक्स्ट, आप देख रहे हैं 625 mg इसमें कैल्शियम है, और इसमें हमने कार्बोनेट के साथ अपना सिट्रेट भी ऐड किया है, आप फाइनल लेवल पे देख पाएंगे।
D3 आपका 30% तक जो डेली का मिल रहा है वो ऐड किया गया है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, मैग्नीज सिट्रेट है और जिंक सल्फेट है। तो ये एक नया फॉर्मूला है, नए तरीके से डेवलप किया गया है, आज की रिक्वायरमेंट को देख के डेवलप किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट सर, एक और प्रोडक्ट हमने पहले भी हम इसकी सेवाएं ले चुके हैं, पहले भी हमने ये अच्छे तरीके से प्रमोट किया है हेल्दी वेट मैनेजमेंट में, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट से जो मिलने वाली कैलोरी है उसको कट करने का ये काम करता है, एक एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज, उसको ये ब्लॉक कर देता है, उसको कार्ब को डाइजेस्ट नहीं होने देता। तो इसको और वैल्यू एडिशन में और इनहांस करके इस फॉर्मूला को लेके आए हैं। देखिए लास्ट टाइम इसको जब लॉन्च किया तो फील्ड से बहुत सारी चीजें आती थी मेरे सामने, फील्ड से आती थी कि सर इसके खाने से ब्लोटिंग होती है, पेट थोड़ा सा ना भारी रहता है, उसकी वजह यह थी कि कार्ब को ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कार्ब को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो एक ही मतलब हुआ कि भाई वो पेट फूला हुआ नजर आएगा। तो इस टाइम पे हमारे सामने जो चैलेंज था, यानी कि उसका भी सॉल्यूशन हमारा साइंटिफिकली होने होना चाहिए, तो हमने यह सॉल्यूशन किया है इस बार की फॉर्मुलेशन में। यहाँ आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप जो व्हाइट किडनी बीन एक्सट्रैक्ट जो हमारा पहले था जो कार्ब कट करता था, उसके साथ तीन चीजें ऐड की हैं, पपाया, पाइनएप्पल और जिंजर। ये तीन चीजें ऐड क्यों की गई और कौन सी हर्ब्स हो सकती थी, क्यों नहीं की गई, यहाँ पे हम आपको साइंस इसी का नाम है कि एविडेंस दिया जाता है, उसके पीछे तर्क और वितर्क दोनों दिए जाते हैं। पपाया जो होता है उसमें पेपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन डाइजेशन को बढ़ाता है। पाइनएप्पल जो होता है उसमें ब्रोमेलिन, आप देखेंगे ना सर्च करके ब्रोमेलिन कहाँ से मिलता है, पेपेन नाम से मिलता है। और आपको मैं एक और बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जब शेल्टर हाउस में जब नॉन वेज को मतलब किसी भी एनिमल को कट करते हैं उसको इंजेक्शन दिया जाता है टेंडरनेस के लिए, इसमें टेंडरनेस का मतलब है एक तरीके से बल्किनेस आए उसमें, तो वो ना पेपेन या ब्रोमेलिन का दिया जाता है, यानी कि प्रोटीनेज होता है वो, एक तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो सॉफ्ट कर देता है, जूसी कर देता है नॉन वेज को। बहुत सारी कमर्शियल आप देखेंगे KFC जैसी चीजें हैं या जो ब्रांड है वो इसको यूज करती हैं ब्रोमेलिन, और इसमें बहुत सारे लोग देखेंगे केले के पत्ते में, बहुत सारे लोग देखेंगे बहुत सारे जो पत्ते थे जो यूज होते थे हमारे एज ए प्लेट टाइप में, वो क्या करते हैं कुछ एंजाइम कुछ माइक्रोब्स जो हमारे लिए डाइजेशन में हेल्प करते थे उनको यूटिलाइज करते थे। तो यह पाइन एप्पल और पपाया दो ऐसे एंजाइम देते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जिंजर, जिंजर भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारे स्टूल को सॉफ्टन करने का काम करते हैं, यानी कि एंटी कॉन्स्टिपेशन करे, पेट अच्छे से साफ हो जाए, और जो एक तरीके से भारीपन लगता था आफ्टर टेकिंग कार्ब कंट्रोलर लास्ट टाइम, दिस टाइम वी आर विद अ सॉल्यूशन के तीन चीजें इसमें एड ऑन की गई हैं, और इसको और भी अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किया गया है माय डियर फ्रेंड। इससे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, अपने हेल्दी ग्लूकोज को मेंटेन कर सकते हैं, इवन डायबिटीज जैसी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको 60 से 70% तक कट कर देता है। नेक्स्ट प्लीज, आयरन फोलिक एसिड वैसा का वैसा आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीजें जो वैल्यू एडिशन में हो सकती थी वो पहले ही एड ऑन की गई है। आप चाहे सांस चढ़ने से लेके न्यू रेड ब्लड सेल, जो कि RBC जो होती है उसी के कारण हमारा स्टेमिना होता है, जो देखा होगा आपने लंबी लंबी रेसों में कीनिया के एथलीट, इथोपिया के, जमैका के एथलीट आपको देखते होंगे कि सारे वर्ल्ड में यही छाए रहते हैं, लंबी रेस के घोड़े यही माने जाते हैं। ऐसा क्या है उन लोगों में, उन लोगों का जो RBC काउंट होता है वो ज्यादा होता है, जिससे के कारण ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी से लेके ऑक्सीजन की जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमें एनर्जी मिलनी है, उनकी ज्यादा होती है, इसलिए उनका स्टेमिना जो एरोबिक स्टेमिना होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और वो इसलिए अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ, यदि आपको जल्दी सांस चढ़ जाते हैं, आपका स्टेमिना लो है, या आप फर्टिलिटी की एज में जो वुमेन है, क्योंकि उनके टाइम पे फिटस को
या फिटस डेवलपमेंट को आयरन फोलिक एसिड ज्यादा चाहिए, या आप 40 साल की एज में है, मेनोपॉजल स्टेज में है, तो वहां पे भी आपको आयरन फोलिक एसिड चाहिए, या आपको बार बार में इन्फेक्शन होता है, किसी को लगता है कि मौसम चेंज होते इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में भी आप आयरन फोलिक एसिड यूज कर सकते हैं, और इसके साथ वाइटामिन B12 और जिंक जैसी चीजें एड ऑन की गई हैं जो आपकी इम्यूनिटी को और आपके स्टेमिना को और स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये भी एक मार्केट में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है जो जनरली मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। अब देखेंगे विटामिन B12 भी माय डियर फ्रेंड इसमें है, क्योंकि आज 90% लोगों में विटामिन B12 की कमी है। B6 इसमें डाला गया है, और आप देखेंगे स्पिनच पालक जो कि खून बढ़ाने में सबसे पहले लोग पालक को याद करते हैं, वो भी दादी नानी के नुस्खे के रूप में, ये भी आपको एक वैल्यू एडिशन दी गई है। तो स्पिनच लीव्स पाउडर भी इसमें एड ऑन किया गया है। फेरस बाई ग्लाइसिनेट आप देखेंगे एक बहुत सबसे लेटेस्ट फॉर्म है जो सबसे हाई एब्जोरेबल है, वो डाला गया है। फोलेट के फॉर्म में फोलिक एसिड डाला गया, विटामिन सी भी डाला गया। देखने को मिलता है कि जो आयरन होता है वो विटामिन सी के साथ इजिली एब्जोर हो जाता है, यानी कि बॉडी उसको ज्यादा यूटिलाइज कर पाती है। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ अच्छा महफूज समझते हैं, अच्छा सिक्योर समझते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं, तो विटामिन सी भी आयरन का फ्रेंड होता है, तो वो भी एड ऑन किया गया है इसमें। और जिंक विटामिन B12 और B6 ये ऐसी चीजें हैं जो आपके स्टेमिना वर्धक से लेके आपके हीमोग्लोबिन लेवल से लेके और आपके इम्यूनिटी के लेवल को लेके सभी चीजों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। नेक्स्ट अश्वा वन हम लेके आए हैं, वर्ल्ड का बेस्ट रूट के पार्ट से बना हुआ, ग्रीन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया, सबसे ज्यादा इन विवो और इन विट्रो स्टडी। ये इन विवो इन विट्रो का मतलब है लैब में भी स्टडी किया गया हो और एनिमल में भी डाल के एनिमल स्टडी, इवन एनिमल में तो चूहों में बहुत सारी चीज स्टडी होती है साइंस में, अल्बिनो चूहा होता है, रेड्स में स्टडी होती है, पर ये जो अश्वा वन जो आपको दिख रहा है जिसमें KSM-66 है, ये ह्यूमन ट्रायल में भी बहुत सक्सेसफुली स्टडी किया गया है। तो मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एक्सट्रैक्ट जो ह्यूमन ट्रायल में सक्सेसफुली अच्छे रिजल्ट दिए हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा अश्वा वन के नाम से आपकी कंपनी लेके आई है। KSM-66 के साथ ये हमने लॉन्च किया है, आपको सेम वही प्रोडक्ट आपको मिलने जा रहा है पेटेंटेड वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चाहे एंटी एजिंग एडेप्टोजन किसी भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, देखो हार्मोन की स्ट्रेस हो, काम की स्ट्रेस हो, एज की स्ट्रेस हो, या आपका कोई स्टेमिना से लेके सेक्सुअल परफॉर्मेंस से लेके स्पोर्ट्स तक की बात हो, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। और KSM-66 में जो ट्रायल की गई ह्यूमन पे, इंसानों पे जो ट्रायल की गई, ये मेल और फीमेल दोनों के एंटी एजिंग से लेके और डेली एडेप्टोजन, यानी कि आपकी बॉडी को डेली की डेली एक ऐसा एनवायरनमेंट देता जो हेल्दी रह पाए, तो दोनों पे ट्राई किया गया। और ये एक ऐसा हब है अश्वगंधा जो मेल और फीमेल दोनों खा सकते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे स्टेमिना के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए, एंटी एजिंग के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, माइंड सेट के लिए और ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी और फंक्शन के लिए आप इसको डेली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट तो छोड़िए, इसका कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता जो मेल फीमेल को भी महसूस हो। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे जी। पेट्रोलियम जेली अब आप देख रहे हैं, हमने इसमें बेसिकली जो पेट्रोलियम जेली ऐड किया लेके आए हैं, इसमें विटामिन ई, आमंड ऑयल और ओलिव ऑयल इसको एड ऑन किया है वैल्यू एडिशन के लिए, और एक अच्छी पैकेजिंग एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ हम दोबारा मार्केट में आए हैं, और आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है, वैसे तो ये व्हाइट पेट्रोलियम जेली है जो आपकी स्किन प्रोटेक्टेंट का काम करती है, मॉइस्चराइजर का काम करती है, बट इसमें आपको अच्छी फ्रेग्रेंस और अच्छे से विटामिन ई और साथ में आपका आमंड ऑयल, बादाम का तेल और साथ में ओलिव ऑयल, ये सारी चीजें इसमें डाली गई हैं जो कि दोबारा से आपको फिर से एक सॉफ्ट एहसास दिलाने में आपकी हेल्प करने वाली है, स्किन को स्मूदर करने वाली है, और एक आपकी बास्केट के
का एक जेनरिक प्रोडक्ट, जनरल प्रोडक्ट बनने वाली है जो आपके आने वाले टाइम में लंबे टाइम तक सर्व करने वाली है। यानी कि आपने बहुत बार वैसलीन को सुना होगा, ये भी आपको उससे अच्छा एहसास, अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले प्रोडक्ट होगा। मैं इस चीज की श्योरिटी लेता हूं, आप जब इसको यूटिलाइज करेंगे तो आप वैसलीन जैसे प्रोडक्ट को आप, मुझे लगता है कि इसके साथ कंपेयर करके ये पाएंगे कि उससे कहीं बहुत बेहतर प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है। जी नेक्स्ट, अपकमिंग प्रोडक्ट्स। अपकमिंग ये नहीं है कि ये पता नहीं कब आएंगे, अपकमिंग यानी अगले हफ्ते 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में। ओके ओके, सॉरी मैं भूल जाता हूँ बार बार में, क्योंकि वो भी हमने डेवलप किया था, वो भी अपना ही प्रोडक्ट था। अब इसका नाम हो गया है फिटनेस वन। इसमें दो इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, एक तो कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है। कैमोमाइल ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, रिलैक्स कर पाएगा आपको, आपके ब्रेन को। एक इसमें रोज पेटल एक्सट्रैक्ट डाला गया है। रोज पेटल एक्सट्रैक्ट का काम है आपकी स्किन को और ग्लोइंग बना पाए। तो ग्रीन टी आपकी स्किन और आपके ब्रेन की और ज्यादा फंक्शनलिटी को बढ़ा पाए, इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, वो आपको फिटनेस वन से मिल रही है। SBTC सी बकथोन के साथ करक्यूमिन जूस बनाया गया है जो हाई ओराक वैल्यू रखता है। ये भी आपको 10 तारीख के आसपास आपको फील्ड में मिलने वाला है। वोमेन वन हम लेके आए हैं, जो आप पहले पावर के नाम से जानते थे, वो भी आपको अगले 5 से 10 तारीख तक मिलने वाला है। एक ज्वाइंट जिम था, वो ज्वाइंट फ्लेक्स के रूप में हम लेके आए हैं, इसमें भी वैल्यू एडिशन आपको मिल रहा है। वोमेन वन में भी वैल्यू एडिशन मिल रहा है और सीबकथोन जूस में भी आपको करक्यूमिन एड ऑन मिल रहा है। इसमें अश्वगंधा गिलोय विलोय जो पहले चीज मिलती थी एक सेकेंडरी इंग्रेडिएंट के रूप में, वो तो मिल ही रही है, बट करक्यूमिन के साथ इसको हमने डेवलप किया है, जो आपकी पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी, इम्यूनिटी और ओवरऑल आपकी वेलनेस को बढ़ाने का काम करेगा। अच्छे फ्लेवर में दोबारा से ये आपकी बास्केट में लौट रहा है, तो करक्यूमिन के साथ आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इसको यूटिलाइज करने में, क्योंकि करक्यूमिनोइड जो है वो वाटर सोल्यूबल वाला, जो हाई एफिशिएंसी वाला होता है, वो इसमें एड ऑन किया गया है। तो ये 4 प्रोडक्ट आपकी बास्केट में और एड ऑन होने वाले हैं अगले 4 से 5 दिन में। यही बोलना चाहूंगा, एस्टोनिया वन इंस्पायरिंग फ्यूचर। और इंस्पायरेशन मेरे अकेले से नहीं आएगी, हम सबके मिशन से आएगी, हम सबके ड्रीम से आएगी। इन्हीं बातों के साथ ये बोलना चाहता हूँ, बिलीव कीजिए अगले 30 और 40 डेज में इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा नाम, प्रोडक्ट से लेके ऑपरेशन तक की मैं बात करूं, आपको एस्टोनिया वन का दिखेगा। और ये मेरे अकेले से नहीं, अकेले मैनेजमेंट से नहीं, आप सबके सहयोग से होने वाला है माय डियर फ्रेंड। तो अपना सहयोग, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद जरूर बनाए रखिए, हमारे पर विश्वास कीजिए, हम इस मिशन में बहुत अच्छे से इसको आगे लेके जाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच अखिलेश जी, आपने हेल्प की मेरी, क्योंकि मैं आज कहीं पे गाड़ी में बैठ के ये कर पा रहा हूँ कि आपने स्लाइड वो चेंज की साथ साथ में, और आपने इतनी अच्छी हेल्प की, क्योंकि टीम वर्क, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, टीम वर्क ही जिताता, और टीम सच्चाई के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करती है तभी वो जीत पाती है। और हम जरूर कामयाब होंगे इस मिशन में। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को यही विराम देना चाहूंगा, जय हिंद बोलना चाहूंगा, लव यू बोलना चाहूंगा, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच अखिलेश जी, बैक टू यू। एक मिनट के लिए बस सवाल पूछ ले लीजिए, गायनो के लिए हम क्या लेके आएंगे सर? देखिए वोमेन वन हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, वोमेन वन में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और सीबकथोन भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल हेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी उसमें आपको मिल रही है। और सर मेरे समझ से जो प्रोबायोटिक हम लेके आएंगे 30 बिलियन वाला, वो भी यूज कर पाएंगे उसको उसमें? यस यस, वो भी यूज कर पाएंगे, और अब की बार आपको देखने को मिलेगा हम सेसे में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक को लेने वाले हैं, और आप किसी भी जगह पे जाके अपना घोल के पी सकते हैं, मिक्स इट, सिप इट एंड शेयर इट, वो हमारे साथ रहने वाली इन चीजें। कैन वी रिकमेंड अश्वगंधा थायराइड? बिल्कुल, थायराइड में दे सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च है बकायदे, थायराइड पे अश्वगंधा अच्छा काम करता है। उल्टा ब्रेन में क्लॉटिंग है, क्या यूज कर सकते हैं? हाँ देखिए, ब्रेन वन हमारा प्रोडक्ट आने वाला है, और एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट आएगा उसको आप 3 से 6 महीने यूज कीजिए। एंटी एजिंग है, यंग रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, यंग वन के नाम से आ रहा है, और होपफुली मैं आपको बता दूं, यंग फूल फ्यूल के नाम से आ रहा है, आपको मैं बता दूं, यंग फ्यूल। जी जी
अच्छा क्या बात है। यंग फ्यूल के नाम से आ रहा है, वन मैंने हटा दिया है, मन के फ्यूल जो हमारे पहले नहीं थे वो ऑलरेडी हमारे रजिस्टर्ड हैं, जो पहले हम सेवाएं जिस फ्यूल की नहीं दे पाए, तो यहाँ पे भी उस फ्यूल को हम फ्यूल अप करने का काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ। यंग फ्यूल हो जाएगा। जी अरे सर, बाल जिनको सर बाल उल झड़ रहा है या हेयर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उनके लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं इस बारे में? हेयर 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 वन हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि हेयर फ्यूल ऑलरेडी किसी का ब्रांड है जो पहले भी हम नहीं ले पाए थे, तो हेयर वन के नाम से ये प्रोडक्ट आ रहा है, जो कि आपको मुझे लगता है इंडिविजुअल हेयर से लेके आपके बल्कि हेयर तक आपको बेस्ट स्ट्रेंथ देने वाला है आपके हेयर को। कर्कुमिन आ रहा है? कर्कुमिन नहीं, कर्कुमिन जूस आ रहा है ना, कर्कुमिन सुल्फान तो कुछ ही काम करेगा दोनों का। यहाँ पे गैस बहुत बनता है, क्या दे सकता है? तो गैस के लिए कुछ जरूर करिएगा, क्योंकि पेट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का आगे लीवर से। डाइजेस्टो के नाम से एक हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, लीवर और डाइजेशन के लिए एक सिरप आ रहा है, वो आपको जरूर सेवाएं देगा इस बार में। एक ही प्रोडक्ट है, डाइजेशन भी और लीवर को वो साथ में सपोर्ट करेगा। अरे सर, मैंने लोगों को बताया था तो कई लोग बड़ा एक्साइटेड हैं, तो मैं चाहूंगा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पूछ लूँ। जब हम पहली बार आए थे तो आशीष जी ने बोला था कि एक हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जैसे गले में गर्दन में कलाई, जो यहाँ यहाँ जो काला होता है उसके लिए कोई डर्मा कर कुछ था, तो देखिए उस देखिए मैं आपको आप सभी को ये बड़ी खुशी के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो हमारे ऑलरेडी एसकेयू चलते हैं, ऑलरेडी प्लांट में जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग चलती है, जो हम इंपोर्ट बाहर भी करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसको आप देखेंगे तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डर्मा अप्रूव्ड हैं, चाहे वो पिगमेंटेशन की बात करें, चाहे वो हार्ड स्किन की बात करें, रिमूवल की बात करें, डेड स्किन रिमूवल की बात करें, या एक तरीके से थेरेपेटिक डर्मोटोलॉजिकली यू कैन से टेस्टिफाइड प्रूवन जो इंग्रेडिएंट है, उनके साथ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे चल रहे हैं। तो इसमें स्पेशली मैं मनीष जी को याद करना चाहूंगा, उन्होंने मेरे को एक सजेस्ट किया था, वो जरूर हम फर्स्ट पेज में ही लेके आने वाले हैं। सर ये अच्छा बैठे हैं यहीं भैया, बैठे हैं, जय हिंद मनीष जी, आपके आर्मी कलर की पहनी है तो जय हिंद बनता ही है। जय हिंद सर, जय हिंद, जय जय हिंद हिंद। सर। ओके सर, हमारे पुराने साथी लोग हैं, एलोवेरा जूस, एंटी पाइल्स, गेनोलाइफ कब तक आ सकता है? देखिए लाने को तो अगले 10 दिन में आ जाएगा, क्योंकि जेनरिक प्रोडक्ट है, इसको फिलअप करना है और कुछ नहीं करना होता, पर हम जी डे फर्स्ट से एक चीज पे बड़े कॉन्शियस होके काम कर रहे हैं, और उसके लिए माफी भी चाहेंगे आप सब लोगों से कि हमारी सर, सर्विस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कि हम धीरे 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 कर करके अपनी सर्विस चेन को बिल्ड करते जाएंगे, और वही प्रोडक्ट आपको जो पहले पसंद थे वो तो होंगे ही, और ऐसे बहुत सारे नए प्रोडक्ट आएंगे जो आपकी पसंद बनने वाले हैं, इसके लिए भी अश्योरेंस कर देना चाहते हैं। जी, सर एंटी पाइल से सर मैं भी बोलूंगा, ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग था थेरेपेटिक में जी। एंटीपाइल्स भी हमारा रहेगा, इसमें हमारा ल्यूकोरेस्ट का भी रहने वाला है, और हमारा जो किडनी स्टोन वाला प्रोडक्ट है वो भी रहने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी नए नए मार्केट में आए, जीएसटी नंबर तक अभी आया है, तो जरूर जी आपको अगले 40 डेज में आपको कभी ये मौका नहीं देंगे कि आप लोगों की शिकायतें रहें, फिर भी आपकी शिकायतें आपके सजेशन हमेशा वेलकम रहेंगे, जरूर उन पे काम करेंगे हम। सर, एक है कि मेल सेक्सुअल स्पर्म काउंट के लिए कौन सा प्रोडक्ट आपने बताया था पीछे कि 1-2 घंटे में भी रिजल्ट आ सकता है, इस बार जो हम लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा उसमें दूसरा सा सवाल आया है। इसमें मैं तीन चीज पे काम कर रहे हैं, पूरी मैनेजमेंट और पूरी R&D टीम, तीन चीजों पे, इसको लिख लीजिए, जैसे सैमसंग में एक S सीरीज आती है, आपके यहाँ एक सीरीज आ रही है 3S, सेक्सुअल हेल्थ, स्ट्रेस हेल्थ और स्पोर्ट्स हेल्थ, 3S, ये डेफिनेटली आपकी बास्केट में मिलने वाला 3S, और 3S में सेक्सुअल हेल्थ के लिए, वाइटिलिटी के लिए दो प्रोडक्ट आ रहे हैं कॉम्बिनेशन में, एक हर्बल फॉर्मुलेशन, एक एसेंशियल फॉर्मुलेशन है, तो हर्बल फॉर्मुलेशन को हम बेसिकली लॉन्च कर रहे हैं अभी फर्स्ट फेज में, और इसेंशियल फेज को भी, और मैं कहता हूं 1 से 2 घंटे में भी आपके जो लिबिडो पावर है, चाहे आपकी वो सेंसेशन है या अर्ज बोलें या उसकी लॉन्गेबिटी बोलें या प्री मेच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम बोलें या हार्मोनल जो टेस्टोस्टेरोन लो काउंट की बात करें, स्पर्म काउंट की बात करें, इन सारी चीजों को उन दो प्रोडक्टों में आने वाला है सॉल्यूशन आने वाला है, और ये आपको होपफुली 20 तारीख तक हम सर्व कर पाएंगे। आप सर एक बहुत म्यूट सही, हाँ जी प्लीज।
कि सबका डीएनए अलग अलग होता है, तो या एक ही पोर्ट सबके डीएनए पे कैसे न्यूट्रिशन सप्लाई कर पाएगा, ये थोड़ा एक सवाल है। राइट क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन। देखिए, ठीक है, सबका डीएनए की कोडिंग अलग होती है, पर कोड को जोड़ने वाली चीज एक होती है जिसको मिथाइल बॉन्ड बोलते हैं। अब सपोज करें कि चेन में 10 आदमी है, अखिलेश जी सबसे आगे हो, उसके पीछे दूसरा हो, तीसरा हो, फिर वो दूसरी चेन बनाए तो उसके बाद दूसरा आ जाए, पर चेन तो हाथों से बनने वाली है, हाथ तो वही रहने वाले हैं। तो बॉन्डिंग जो होती है और उसका जो न्यूट्रिशन जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी 3 चीजें होती हैं इसमें, वो सबकी सेम होती है, पर उसकी सीक्वेंस अलग अलग होती है, कोडिंग अलग होती है। अखिलेश जी अच्छे से बताएंगे, प्रिंसिपल तो वही चलता कोडिंग का, पर कहीं पे ऊपर वो चीज अलग आ गई, वो अलग आ गई, पर प्रिंसिपल बेसिक सेम रहता है। तो इसलिए जीनोमिक न्यूट्रिशन जो होता है, जो लोग बोलते हैं कि भाई सबका डीएनए अलग होता है, डीएनए अलग होता है, एक्सप्रेशन अलग होते हैं डीएनए के। डीएनए का जो काम होता है, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, वो डबल हेलिकल होता है, वो मिथाइलेशन से बंधा होता है, तो उसकी जो बेसिक जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होती है। जैसे हमारी शक्ल अखिलेश जी की और मेरी नहीं मिलती, आइडियोलॉजी मिल सकती है, और इनको भी विटामिन डी चाहिए, मुझे भी विटामिन डी चाहिए, तो शक्ल पे मत जाए, रिक्वायरमेंट पे जाए, इसमें यही बोलना चाहता हूँ। सर एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का बात है कि सर दाढ़ी के बाल सफेद हो रहे हैं, उसका कुछ इलाज करिए, कुछ लेके आएंगे क्या? हम एक डाइया लॉन्च कर। देखो इसमें तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, इसको यूटिलाइज कीजिए, आप इसको बोलना स्टार्ट कीजिए कि भाई धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, ये एक्सपीरियंस है, और इसको प्राउडली फील कीजिए कि आप उन पॉपुलेशन में से हैं जिनको ग्रो दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बिना दाढ़ी के भी इस दुनिया में नहीं रह पाते, तो ये आपका पॉजिटिव साइन है। और हैप्पी एजिंग इसको बिलीव कीजिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, डिले किया जा सकता, स्टॉप नहीं किया जा सकता। सर आपने साथ कभी बोला होगा कि जिसका नाक वाक बसता है रात को सोने में, उसका कोई जुगाड़ हम सेट कर सकते हैं क्या? हाँ, देखिए, गहरी नींद या स्ट्रेस, या एक तरीके से आपके एपिगलोटिस वाला जो पार्ट है या ट्रेकिया में, यहाँ पे उसकी एयर पैसेज में थोड़ा बहुत बदलाव आना, ये जो हमारी आर्किटेक्चर है गले का, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आना, तो ये कारण हो सकता है। बट इसमें मैं सप्लीमेंट का कोई भी ऐसा सजेशन नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी, कि मैंने, मेरी नॉलेज में नहीं, हो सकता है कि दुनिया की नॉलेज में हो, मैंने नहीं पढ़ा है इसके बारे में। बट इसमें आपको अच्छा ब्रेन फ्यूल और के आपका आसवावन, ये अच्छी हेल्प कर सकते हैं, आपको रिलैक्स रखेंगे। और तो बोल रहे हैं कि सर ब्रेन वन थोड़ा जल्दी मंगवा दीजिए, कुछ लोग का दिमाग खराब हो गया है, उनको एक एक गिफ्ट करना है। देखिए, ये आपकी सोच अच्छी हो सकती है, बट आप ना अकेले ब्रेन फ्यूल से दिमाग ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। जी सर, एनीथिंग, ये तो ठीक है, कॉमन चीज है, लीवर हो गया। गैस के लिए दोबारा पूछा जा रहा सर कि गैस के लिए क्या हम दे बता सकते दिया हैं? हमने, डाइजेशन के लिए हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं स्पेशली, जो लीवर की भी हेल्प करेगा और आपके डाइजेशन को भी बेटर करेगा। कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को समस्या पेट के कीड़े से होता है, जो वॉर्म्स होते हैं पेट के अंदर में, और लोग बोलते हैं, कई डॉक्टर बोलते भी है कि 6 महीने में एक बार कम से कम जरूर खाना चाहिए वो जो उसकी गोली आती है।